स्टार्ट। हमारा अन्नदाता समृद्ध हो, हमारा अन्नदाता देश के लिए कुछ और ज़्यादा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बात कहते थे, वह कहते थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। जब तक हमारे छोटे किसान को नए अधिकार नहीं मिलते तब तक पूर्ण आज़ादी की उनकी बात अधूरी रहेगी। इसलिए बड़ा बदलाव करके हमें हमारे इन किसानों को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार करना होगा और हम सबको मिलकर करना होगा। कुछ गलत करने के इरादे से नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार ने अगर आप हर कदम पर देखेंगे तो छोटे किसानों के लिए हमने बीज से बाजार तक पिछले 6 वर्षों में अनेक ऐसे इंटरवेंशन किए हैं जो छोटे किसान की मदद कर सकते हैं, छोटे किसानों को लाभ दे सकते हैं। हम धीरे धीरे फल फूल सब्जी की तरफ बल दे सकते हैं और उसके बाद धान्य की तरफ बल दे सकते हैं। हम बहुत ताकतवर बना सकते हैं। हमारे पास मॉडल है, सफल मॉडल है। हमें उस सफल मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। हमें उनको वैकल्पिक बाजार देना चाहिए। इसके कारण किसान अपना बाजार ढूंढने के लिए एक सामूहिक शक्ति के रूप में उभरेगा। यह मेरा पूरा विश्वास है। अगर वह थोड़ी ज़्यादा ताकत इकट्ठी करे तो छोटे कोल्ड स्टोरेज भी बना सकता है। स्वयं सहायता समूह में भी करीब 7 करोड़ बहनें जुटी हैं। गांव की बहनें किसान की ही बेटियां होती हैं। किसी न किसी खेती से जुड़े हुए परिवार की बेटियां होती हैं। वह नेटवर्क आज किसानों की भलाई में काम आ रहा है। इनके द्वारा भी मुझे याद है गुजरात में वलसाड़ जिले में आदिवासियों के पास जमीन भी काफ़ी ऊपर नीचे है और बहुत छोटी जमीन है। अब्दुल कलाम जी एक दिन अपना जन्मदिन वहाँ मनाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं इन किसानों के साथ रहना चाहता हूँ। वह बड़ा सफल प्रयोग था। उस आदिवासी बेल्ट के अंदर महिलाएं काफ़ी काम करती थीं। अब्दुल कलाम जी ने इसके विषय में लिखा भी है। मैं कहता हूँ कि हमें नए प्रयासों की दिशा में जाना चाहिए। हमारे यहाँ दाल की कठिनाई थी। हमने 2014 में आकर किसानों के सामने प्रार्थना की। उन्होंने देश के अंदर हमें दाल की कठिनाइयों से मुक्त कर दिया और उनको बाजार भी मिल गया। मैं देख रहा हूँ आजकल
ऑनलाइन ऑफलाइन ई नाम के द्वारा भी गांव का किसान अपना माल बेच रहा है। ब्रह्म